नमस्कार किसान भाइयों, खेती किसानी में आप सभी का स्वागत है। और ये है माल्टा का बाग सुभाष, जो कि एक प्रगतिशील किसान है और अपना बागवानी के साथ साथ वो दूसरी खेती भी करते हैं। और आज इसके बीच में जो प्याज है, प्याज का पौधरोपण यहाँ पर किया जा रहा है ताकि गोंदली जो है वो जल्दी से जल्दी तैयार हो सके और जो दूसरे प्याज, सिंथेटिक प्याज जो आएंगे उससे कहीं पहले ये प्याज जो है आ जाते हैं। बागवानी के बीच में आप इंटरक्रॉपिंग जो है वो भी कर सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा है और ये प्याज के लिए, अगेती प्याज के लिए बहुत ही अच्छा जो है मौसम है। इस समय बारिश हो चुकी है और जो थोड़ी बहुत बारिश है वो भी बताई गई है 3-4 दिन में। अगर बारिश हो जाती है तो ये प्याज बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। और इसके साथ साथ जो सुबह कुलों के अंदर 2 लेयर में जो है ये प्याज लगा रहे हैं, लेबर लगी हुई है। और वो देखिए दूर तक ये करीबन 3.5 एकड़ है और इसमें से कुछ प्याज, मटर और भी दूसरी जो है इंटरक्रॉप वो है वो इसमें ले ली जाएगी। ये देखिए जी, पूरा ताऊ जी कह रहे हैं कि पूरा काम जोरों पे चला हुआ है। ये देखिए काम के साथ साथ खूब अच्छे से मस्ती से आनंदित, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है फिलहाल और इसी में ये बना रखा है। ये देखिए कल्टीवेशन इसमें की हुई है, कल्टीवेटर को इस तरह से तैयार किया गया है कि उससे कूल जो है वो अपने आप तैयार हो जाएं और उसके बाद इसमें जो है प्याज का रोपण किया। एक चीज़ जो खास है वो देखिए आप, साफ़ सफाई वो बहुत अच्छी है और कहीं पर भी आपको कचरा बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यही रहती है कि एक प्रगतिशील किसान किस तरह से जो है खेती बाड़ी करता है वो महत्वपूर्ण होता है, साफ़ सफाई, क्योंकि इससे जो इंसेक्ट हैं वो पौधों पर आक्रमण नहीं करेंगे और जो इंटरक्रॉप है वो भी बहुत बेहतर बनेगी। और देखिए उस साइड में पपीता के कुछ पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी सारे इन्होंने लगाए थे लेकिन वो ठीक नहीं बन पाए थे फंगस का, क्योंकि ज़्यादातर इन पौधों में फंगस आ जाते हैं इस एरिया के अंदर। अभी सुभाष जी ने करीबन 7.5 एकड़ में जो अमरूद का बाग लगाया है उसमें भी वो इंटरक्रॉप करेंगे। तो इससे क्या रहता है कि किसान भाइयों को घाटा नहीं लगेगा, बागवानी के बीच में जब इंटरक्रॉप लेते हैं तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। और ये बगल में हमारे जो है दूसरा बाग लगा हुआ है, ऑर्गेनिक बाग है, वो भी अच्छे पौधे हैं। और इसके साथ जो है ये अभी छोटा है, करीबन 1 साल का बाग हुआ है और ये जल्द ही, लेकिन 1 साल का बाग पौधे छोटे हैं लेकिन ये जल्द ही ग्रोथ कर जाएंगे क्योंकि पहली जो बारिश है वो इनके ऊपर से निकल चुकी है। अब कुछ ही देर में जो है इस बीजे हुए प्याज पर बारिश भी हो चुकी है और अभी हम जो इस खेत के ओनर हैं, जो फार्म को चलाते हैं, सुभाष करवासरा जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं, उन्होंने एक वैरायटी और भी ली है प्याज की और दोबारा वो प्याज आज इम्प्लांट करने वाले हैं इसमें, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कितनी यील्ड आ सकती है वो भी हम इस विषय में चर्चा करेंगे। ये देखिए बारिश होने के बाद में जो पौधे हैं इसमें, बाग है, वो पूरी तरह से लहला चुका है। और अभी हम बातचीत करते हैं सुभाष करवासरा से। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम आज सुभाष करवासरा जी, जैसे कि हमने बताया था कि ये उनका फार्म है, माल्टा का बाग इन्होंने लगाया है और एडवांस खेती करते हैं, प्रगतिशील किसान हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपसे। सुभाष जी, ये जो आपने बाग लगाया है माल्टा का, ये कौन सी वैरायटी है? रेड माल्टा है ये पौधा मैं छोटा लेके आया था, अभी इसकी जो एज है वो लॉन्ग और लंबी हो जी। और इसमें मैंने प्याज की खेती अब शुरू की है जी, तो किसान को इसकी एक्स्ट्रा आय मिल जाती है और ये कम टाइम में उपलब्ध हो जाएगी गोंदली मार्केट में जी। अच्छा, और एक किसान को भी प्रोग्रेस होगी, इसमें भी उसकी एक्स्ट्रा आय होगी जी। सुभाष जी, आपका काफ़ी नाम सुना है खेती किसानी के अंदर, जो डेवलप किसान हैं उनमें से आप जाने जाते हैं। मुझे ये बताइए कि जो किसान हैं वो बागवानी के ऊपर जा रहे हैं, जैसा कि आप भी जा रहे हैं, वो क्या लगता है आपको कि जो परंपरागत फसलें हैं उनकी बजाय अगर बागवानी की तरफ किसान जाता है तो क्या फ़ायदेमंद है?
परंपरागत खेती अगर किसान छोड़ता है तो वो अच्छा है, इसमें अब आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हो गया है। जैसे अब कॉटन की खेती लगभग ख़त्म हो गई है, इसी तरह टेम्परेचर आने से गेहूं की खेती ख़त्म होगी जी, तो ये खेती तो छोड़नी पड़ेगी टाइम के हिसाब से, और ये खेती अब अपनानी पड़ेगी। तो कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ जो है वो बार बार ये कहते हैं कि हम बागवानी फसलों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े। तो कई किसानों का ये मानना है कि बागवानी विभाग के अंदर हम लोग जाते हैं तो वहाँ थोड़ी सी समस्या आती है, पूरी जानकारी हम लोगों को भी नहीं होती और वो भी जानकारी देने में थोड़ा असमर्थ रहते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे कि विभाग ने इसमें सहायता की है या आपने खुद अपनी मेहनत से इसे तैयार किया है? विभाग के पास तो चल के जाना पड़ता है जी, और वो एक दो बड़ा कह देते हैं भी ये लगेगा, ये करो वो करो, वो अभी तक पूरा किसान का सहयोग नहीं कर रहे। और ग्राउंड पे आके अगर वो जब तक नहीं सहयोग करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। ठीक है, ऐड वगैरह दे डालते हैं सरकार के सिस्टम से भी, ऊपर से जो आता है वो ऐड दे के अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं आराम से, उन्हें कोई लेना देना नहीं है इस मैटर से जी। फिर वो औपचारिकता पूरी करने आते हैं भी, इस किसान ने ये कर लिया, ये कल को आगे जाएगा तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर वो जी जान से अगर किसान की मदद करे तो कोई समस्या ही नहीं है इसमें, सरकार अनुदान दे रही है, सारी चीज दे रही है, फिर दिक्कत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। और किसान मेरी तरह जैसे प्याज हो गया, ककड़ी होगी, लहसुन हो गया, चने हो गए, ये खेतियां करके आराम से अपना ठेका निकाल सकता है जमीन का। परंपरागत फसल भी बीच में ले सकता है और बागवानी तो जो है वो डबल एक बराबर में तैयार हो ही जाती है। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सुभाष और कुछ किसान जो ये मानते हैं कि बागवानी जो है वो केवल विभाग से हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, किसान खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता रहता है और शुरुआत उन्हें अपने स्तर पर करनी चाहिए और डिपार्टमेंट से अगर कोई सहायता मिलती है तो वो भी लें, लेकिन शुरुआत उन्हें खुद करनी पड़ेगी और मन उन्हें खुद बनाना पड़ेगा। जो परंपरागत फसलें हैं उनसे उठ करके ये जो प्रथम कदम है वो पहले उन्हें ही उठाना पड़ेगा, उसके बाद कृषि विशेषज्ञ और कहीं से भी आप अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, क्योंकि किसान जो है वो खेती किसानी सदियों से करता आ रहा है तो इसलिए वो पौधों के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और विशेषज्ञ जो हैं वो केवल ग्राउंड स्तर पे नहीं आते बल्कि जो है आधिकारिक तौर पे उनका एक वो काम रहता है, वो बता देते हैं, लेकिन करना केवल किसान को ही होता है। तो धन्यवाद दोस्तों।